बालों को परमानेंटली स्ट्रेट करवाने के लिए मैं करवा रही हूँ स्मूदनिंग। रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग में क्या डिफरेंस है वो भी आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो बालों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, स्ट्रेट करने के बाद, ये स्टेप नंबर वन है, ये है स्ट्रेटनिंग क्रीम। तो ये अप्लाई की जा रही है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह से इसे अप्लाई किया जाता है। स्कैल्प पे इसे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं और घर पे कभी भी इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाल आपके डैमेज हो सकते हैं। और ये लोग जो ये कर रहे हैं ये एक्सपर्ट होते हैं, एक तो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया होता है, और दूसरी बात ये होती है कि इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली होती है इस चीज़ की। तो कितने घर बालों में ये अप्लाई करनी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो घर पे इस तरह की चीज़ें ट्राई बिल्कुल ना करें। और वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूँ, थोड़ा थोड़ा बालों को देखिए छोटे छोटे सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, और इसके बाद फिर जैसे स्पा क्रीम लगाते हैं ना बालों में, सेम वैसे ही इसे अच्छी तरह से हर एक बाल में ये लग जानी चाहिए। तो कुछ इस तरह से फिर देखिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी पूरा प्रोसेस कैसे कैसे कितने स्टेप्स रहेंगे वो सारा मैं आपके साथ यहाँ पे ब्रीफ में शेयर कर रही हूँ। और स्मूदनिंग और रिबॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है ना, वो आप देखिए भैया से खुद सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोलता है ना कि बाल तो स्ट्रेट हुए नहीं, अब बताएंगे इस तरह उसको बाल स्ट्रेट नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं आपको आते नहीं करने, फिर वो बोलेगा ना। सही बात है, फिर आगे जाके तो वो यही बोलेगा। अभी तक यहाँ जितने आए ना सब स्मूदनिंग ही बोलते हैं, पर स्मूदनिंग का पता किसी को नहीं है। जितने भी अभी तक आए मुझे भी नहीं पता, तभी तो मैं बोलती हूँ, बोल पूछ रही हूँ ना आपसे कि पता क्या ना, जब कोई चीज़ कर रहे हो ना तो उसका प्रॉपर तरीके में नॉलेज भी तो होना चाहिए क्या कर रहे हो। अगर प्रॉपर स्ट्रेट चाहिए फिर तो स्ट्रेटनिंग होगी, तो स्मूथ चाहिए बॉन्डिंग होता है जैसे बिल्कुल सीधे बाल, स्मूथनिंग में हल्का सा वो रहता है। वैसे तो आपने सुन लिया इनसे, लेकिन अगर अच्छी तरह से पता नहीं चला तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि स्मूदनिंग का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ड्रायर की हेल्प से ही बालों को स्मूद कर दिया जाता है। ये जो क्रीम अभी अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है बालों को धोने के बाद सिर्फ ड्रायर की हेल्प से ही स्मूद कर दिया जाता है। आयरन की उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, मतलब बालों को जिस तरह से स्ट्रेटनर की हेल्प से जो ये प्रेसिंग करेंगे वो वाली चीज़ नहीं की जाती है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। और बाकी अभी आप देख सकते हो कि क्रीम जो है बालों में अभी अप्लाई की जा रही है, उसमें टाइम लग जाता है, और फिर कितनी देर तक रखनी है ये बालों में वो ये बालों को टच करके पता लगाते हैं। तो लगभग 40 से 50 मिनट तक मेरे बालों में ये क्रीम रखी गई थी। जो क्रीम लगाते हैं ना उसको पूरी ड्राई करके फिर उसके बाद में उसको तो लगभग 50 मिनट तक स्ट्रेटनिंग क्रीम अपने बालों में रखने के बाद अभी वॉश कर रहे हैं बालों को अच्छी तरह से। इसे सिर्फ पानी की हेल्प से ही वॉश करेंगे, कुछ शैम्पू या फिर कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो अच्छी तरह से बालों को वॉश किया जा रहा है, बिल्कुल भी जो क्रीम लगाई थी हमने बालों में नहीं रहनी चाहिए। और केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जितनी भी मेरे बालों में मेहंदी थी ना, ये जो आप देख रहे हो कलर, तो ये मेहंदी का कलर निकल रहा है मेरे बालों से। मैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा मेहंदी अप्लाई करती रहती थी, तो इसीलिए फिर इन्होंने मुझे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू जितना मतलब आप वॉश आउट कर सकते हो मेहंदी को उतना कर लीजिए। इसके बाद फिर अब ये बालों में मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी जैसे मेरे बालों में मैट्रिक्स की ही चीज़ें ये यूज़ की जा रही हैं, तो उसी का ये फिर मास्क यहाँ पे यूज़ किया है। अब मास्क को भी अच्छी तरह से पहले 15 से 20 मिनट तक बालों में लगा रहने देंगे। लगाना कैसे है वो आप देख ही रहे हो कि कुछ इस तरह से इसे अप्लाई किया गया, और 20 मिनट तक फिर इसे बालों में रखने के बाद दोबारा से बालों को अच्छी तरह से वॉश किया।
इसके बाद फिर ड्रायर की हेल्प से बालों को सुखा लिया गया और ड्रायर की ही हेल्प से फिर बालों को एकदम से स्मूद किया गया। और आफ्टर स्मूदनिंग फिर ये देख सकते हो आप रिज़ल्ट कि कुछ इस तरह से फिर बाल जो हैं एकदम स्मूद हो चुके हैं, लेकिन ये परमानेंटली स्ट्रेट नहीं है। अगर खाली आप इसी तरह से स्मूदनिंग करवाते हो तो इन्होंने बताया कि 6 से 7 मंथ के बाद फिर आपके बाल दोबारा जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको परमानेंटली स्ट्रेट करवाने हैं तो फिर रिबॉन्डिंग तो करनी ही पड़ती है। उसके लिए अब देखिए आयरन की हेल्प से ये बालों को इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, बिल्कुल ही माइनर माइनर सेक्शन में डिवाइड किया गया है और ये काम बहुत ही बारीकी से किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो कुछ इस तरह से फिर इसे सारे मतलब बालों को रिवॉन्ड किया जाएगा। इसी को मतलब रिवॉन्डिंग कहते हैं। तो नाम स्मूदनिंग का ही होता है। अगर आपको परमानेंटली स्ट्रेट करवाने हैं तो ये चीज़ करवानी ही पड़ती है। तो स्ट्रेटनिंग करने के बाद ये जो है ये है न्यूट्रलाइज़र, तो ये ही अब यूज़ करने वाले हैं बालों में। तो इसे आप इस तरह से भी ले सकते हो कि आफ्टर स्ट्रेटनिंग फिर ये न्यूट्रलाइज़र ही हमारे बालों में यूज़ होता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो हमने बालों को ये देखिए इस तरह से स्मूद किया था, स्ट्रेट किया था, तो इसको परमानेंटली लॉक कर लिया जाए। तो परमानेंटली लॉक करने के लिए ही न्यूट्रलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो इसे भी फिर बस जैसे स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की गई थी उसी तरह से इसे भी अप्लाई करना होता है। स्कैल्प पे ये टच नहीं होना चाहिए, बालों से थोड़ा सा मतलब स्कैल्प से थोड़ा सा दूरी पर ही इसे लगाया जाता है, इसे भी स्ट्रेटनिंग क्रीम को भी। और जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो इसमें थोड़ा सा सेक्शन इन्होंने ज़्यादा लिया है, जो स्ट्रेटनिंग क्रीम थी उसमें बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेने पड़ते हैं। तो बस इसी तरह से अब इसे भी सारे बालों पे अप्लाई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखा गया था बालों में मेरे, लगभग 10 मिनट के लिए ही इसे बालों में रखा गया था, जबकि स्ट्रेटनिंग क्रीम काफ़ी देर तक रखी गई थी, लगभग 50 से 60 मिनट, मतलब करीब करीब 1 घंटे तक। लेकिन इसे अब 10 मिनट तक ही बालों में रखेंगे और फिर दोबारा से बालों को वॉश कर लिया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि लगभग सारे बालों में न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया जा चुका है और इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई करना होता है ताकि सारे बालों के अंदर ये अच्छी तरह से लग जाए। तो लगभग 10 मिनट तक इसे बालों में रखने के बाद बालों को फिर से वॉश किया जा रहा है और अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी होता है ताकि कुछ भी थोड़ा सा भी प्रोडक्ट हमारे स्कैल्प में नहीं लगे। और यही रीज़न होता है कि आपके बालों की जो बोलते हैं ना कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है स्मूदनिंग या रिमोडिंग कराने के बाद, तो वो इसी वजह से कि अगर अच्छी तरह से एक तो अगर ये जो क्रीम्स हैं अप्लाई नहीं की गई हो स्कैल्प पे लग जाएं तो फिर हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं और फिर झड़ते हैं, और दूसरा कि अगर अच्छी तरह से वॉश नहीं किया गया हो और थोड़ा बहुत भी ये क्रीम हमारे स्कैल्प में लगी रह जाए तब भी फिर हेयरफॉल होता हो जाता है। तो इसलिए इन्हें मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी होती है, अच्छे खासे खुले पानी से इसे साफ़ करना होता है। तो बाल जब अच्छी तरह से वॉश कर लिए गए उसके बाद फिर से अगेन ये जो मास्क है वो अप्लाई किया गया और इस मास्क को फिर से लगभग 10 मिनट तक बालों में रखा गया और फिर से बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया गया। और वॉश करने के बाद अब ये देखिए बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लिया है और अब बालों को दोबारा से ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर फाइनल टच एक बार देंगे। अगर आपको बालों में कोई कटिंग करवानी है तो वो भी करवाई जा सकती है, अगर नहीं करवानी है तो भी अपनी इच्छा होती है, लेकिन जो बाल हम बिल्कुल मतलब नीचे नीचे के होते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं जब हम प्रेसिंग करते हैं बालों की, तो वो तो फिर काटने ही पड़ जाते हैं। तो जो भी डैमेज बाल रहते हैं उनको काट देते हैं ये लोग, और एक्स्ट्रा में कोई कटिंग करानी है तो वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए फिर जी मेरे लंबे बालों को अभी इन्होंने कितना ज़्यादा काट लिया है। एक्चुअली मैंने ही बोला थोड़ा मतलब जो मेरे बिल्कुल नीचे नीचे के बाल थे ना अच्छी तरह से उनमें एक भारी पन्नी था, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा कटवा लिए, अदरवाइज़ उतने ज़्यादा डैमेज नहीं थे ये, लेकिन फिर कटवा लिए हमने, अच्छे लगेंगे। और वैसे भी बाल अगर आप केयर करते हो तो बहुत जल्दी फिर ग्रो भी कर जाते हैं।
तो बाकी आगे मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरह से मैं बालों की अपनी केयर कर रही हूँ और बालों को ग्रो करने के लिए क्या क्या मास्क यूज़ करूँगी, किस तरह के जो स्पा हैं इसके बाद वो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, तभी फिर बाल आपके डैमेज नहीं होते, झड़ते नहीं हैं। तो आगे की अपडेट के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और ये देखिए कि मेरे लंबे लंबे बालों को छोटा करते हुए इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा करते करते ये मतलब काफ़ी बाल मेरे काट लिए हैं। और फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं ये थोड़ा सा इन्होंने ना आगे से लेयर, जैसे लेयर कट होता है ना वैसे थोड़ा सा काट लिया है, तो फिर अच्छे लग रहे हैं। और बाकी कितना खर्चा आया बालों को स्मूदनिंग करने में, तो मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से इन्होंने 7,000 रुपये मुझसे लिए हैं, बाकी जो प्रोडक्ट रहते हैं वो मुझे अलग से लेने पड़े क्योंकि मेरे बालों में मैट्रिक्स का ही ये सब कुछ किया गया है, तो वही वाले शैम्पू कंडीशनर और सीरम मैंने लिया है। फाइनली मतलब मैंने कटवाई लिए अपने बाल, और ये देखो इन्होंने ना भैया ने बहुत ज़्यादा मेरे सारे बालों की लेंथ काट दी है। फैन ये दिखाऊँगा आपको सैंपल थोड़ा सा, ये लो जी एक क्लिक मारा, ये रहे मेरे लंबे बाल, ये सारे दे दिए मेरे हाथ में मुझे गिफ्ट मार।